हाँ तो भाई, आज के सफर की शुरुआत होती है एक इंतजार के साथ, और हम जा रहे हैं नवाबशाह। नवाबशाह से फिर आगे जाएंगे सांगर। नहीं, डायरेक्ट। अच्छा, हम डायरेक्ट सांगर जा रहे हैं। सॉरी, वहाँ हमारे एक दोस्त ने जो है वो दावत की, हमारे दानिश भाई की, कैडेट कॉलेज का दोस्त है, और साथ में जानशेर खान है और यार ये कैडेट कॉलेज सांगढ़ के जो बैच था 2011 का, उनका रियूनियन है। ठीक है, अब्दुल वहाब मलिक इनके दोस्त हैं, दानिश खान का दोस्त है, ये सांगढ़ में रहता है, तो उसने सबका रियूनियन रखा था, अपनी तरफ से दावत दी थी। अच्छा, हम निकले कराची से हाईवे पे, कुछ बैरियर टाउन की कंस्ट्रक्शन की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। और हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद के बाद सांगड़ा में जाना था, रात हो गई, लेट हो गए हम सांगड़ पहुंचे। अरे छोटे यार, हमारे दो कैंडिडेट डूब गए थे, डूब के मर गए थे इधर छोटियारो डैम में। कैसे याद है? ठुक रहे थे बढ़ाया बुढ़िया। याद है ना? वो आसान अगर दुआ पढ़ना, वो आसान अगर दुआ। वहां से जहाँ उस अपनी औताक में उसने दावत रखी थी, अब वो छोटी सी एक झील थी, वो झील का सफर करके हमें जाना था, और कश्तियों में, छोटी कश्तियों में हेडलाइट तो होती नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है, बताने वाली बात नहीं है। भाई यार देखो, सबके जो है ना शूज पाँव वगैरह की सबकी लग गई है, और किसी ने सोचा नहीं था यार अब ये सुबह तस्वीरें गंदी आएंगी, बस और कुछ नहीं। इधर सांप का भी सुनने में आ रहा है। जानचेर, ये क्या फर्स्ट एड उठा के ले जा रहा है तू? अरे यार बेहतरीन शिकार है, बहुत यार बहुत मैसी हो गया सारा काम। अरे तुम चलाएगा, तुम क्या चला रहे? ये चला के देख। अरे रास्ता भटक गया इधर किधर, इंडिया नहीं निकल जाना तुम? फिर आगे भी बैठा होता था, उसके भी आगे बैठा होता, तीन वाला ये पकड़ बैठ बैठ, तो ना मजा आता है, इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। ये चीज मेरे अजीज गप्पा गणे, गप्पा गणे छुप रहा है। ड्राइवर का है यार, देखो भूख का ही आलम है भाई की, अभी लॉन्च में तो हम बैठे हैं, लेकिन जो है ना बस सूखी रोटी हम खा रहे हैं अभी, जो है ना पानी नीचे वाला पानी पानी यही नीचे भाई को दिखाओ पिचो सोनू तो के मुझसे भरोसा नहीं था। कहता घोटों का ख्याल होती है। चल कर गए कश्ती में बैठे, अब कश्ती में चार से पांच बंदे डंगर डंगर जैसे भी बैठे हुए थे, जो हमारे कैमरे के पीछे मैं आपको उसको दिखाऊंगा, जानशेर बैठा हुआ है, तो वो हिल हिल के जो है ना कश्ती कभी इधर कभी इधर। ओए नहीं है, नहीं है दानिश, उसामा के बारे में क्या बोल रहा है यार ये? ओ भाई वो बोल रहा है हिलोगे तो सारे नीचे जाओगे अंदर। तुम एक काम करो ना, तुम सीधा बैठो। तो हो इससे ये रहा था कि हम किसी भी वक्त गिर सकते थे पानी में, पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन हम हो जाते गीले, और अगर गीले हो जाता तो ज्यादा मसला हो जाता, खराब आज पता नहीं हम। यार स्नान भाई, इधर मगरमच्छ तो नहीं है पानी में? अरे यार नहीं करो, दुनिया देखेगी तुम्हारी हरकतें यार। अरे हेलो नहीं यार, अरे भाई 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 पानी सही चीज मशकरी ना कर। अबे तेरी डूबने की खैर है, हम लाइन से खड़े हो गए क्योंकि अब उतरने का टाइम आ गया, और जो है ना ये पता नहीं कोई स्नान हिल रहा है, जहांगीर हिल रहा है, नहीं लो यार गिर जाएंगे पानी में यार। वो आगे तक लेके जा रहा है यार ये। यार भाई ये पता नहीं कौन से ये जो है ना उसमें लाया, ये दानिश भाई हमारा, ये देखो यार ये जो है ना ऐसे चल के हमको जो है ना दावत खाने जाना पड़ रहा है। ओ दानिश,
अरे खत्म हो गया पानी, सही है सही है भाई। एट लास्ट मुल्ला शाह फरमाते हैं हाल सुना। गए खाना बड़ा अच्छा था लेकिन बहुत लेट मिला हमें, लेकिन बहुत मजा आया खाना खाने में। और खाना खा के फिर सुबह शिकार का प्रोग्राम था। खराब है अभी तक। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। यार ये हमारे रहीम बख्श भाई हैं। भाई रहीम बख्श भाई थोड़ा इस तरफ आओ ताकि थोड़ा शेड में आओ। नहीं नहीं स्टाइल मारो ना सही। वहाँ पर जो हमने पिक्चर्स ली थी ना बहुत अच्छी अच्छी। ये अरे थोड़ा गम आना चाहिए, गम और तब तक बस फिक्स रहा है। सही 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 बेहतरीन गम आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। मजीद ध्यान दानिश, थोड़े से ध्यान की कमी है बस। वाह क्या फोटो आ रहा है, आहा ओए होए होए होए, ओह माय गॉड। किधर हल्का सा वो नहीं मनहूस वाला स्माइल होता है ना, इधर देख लो गुलाब की तरफ देखो। अरे से फोटो की चाह रहा था क्या करने रैंक ना दे ले भाई का ध्यान। आहा थोड़ा हल्का सो यार। अबे जाचे दही कर छोड़ दे यार। अबे यार अबे असद कपड़े पहन के ना ले यार। अब हम वहां से निकले हैं और ये हमारे असनान भाई हैं, इनके घर हम आए टंडो आदम में, और यहाँ पर अब खाना वगैरह खा के फिर हमारी वापसी होगी। बनेगा विलाग बनेगा इस पे यार। भाई असनान भाई के घर पे माशाल्लाह असनान भाई ने बड़ा जबरदस्त खाना बनवाया, ठीक है। ये दानिश फुल भूख से तड़पा हुआ है। असद फोन रख दे अभी बस, जहाँ सिर्फ शुरू करो, क्यों नहीं खा रहे हो। यार एक चीज देख के बहुत खुशी हुई कि एक कॉल पर इतने सारे लड़के जमा हुए हैं। हालांकि कराची जैसे शहर में जितनी फास्ट जिंदगी होगी तो वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन छोटे शहरों में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लोग एक कॉल पर और एक आवाज़ पर आ जाते हैं आपके पास और मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनके हालात जानते हैं। भूल गए बेटा, अबे यार नहीं, अबे यार खोल दी बेटा टोपी, खोल दी पूरी।
बेटा क्या होगा उसका कुछ भी नहीं जाएगा। काफी वक्त बाद जब आप किसी सफर पे निकलते हैं और किसी टूर पे निकलते हैं तो यार बड़ा रिलैक्स्ड फील होता है यार।